अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। योर स्पोर्टिंग कॉफी से एक बारिश आ गई थी तो मैंने अपने सारे पिंजरे खोला हुआ था, तो फिर मैंने जल्दी से बंद किया और अभी मैंने फिर दोबारा से खोल दिया अपने पिजन्स को। और मुर्गा मुर्गी भी कोई सारी बारिश हुई, उनके अटैक हो गया, लड़ाई हो गई उनके आपस में। वो देखो हमारी मुर्गी काफी खतरनाक है, हमारे पिजन्स पर हमला कर रही है और उन्हें मार रही है। वो ये क्या कर रही हो, बहुत आओ तुम, तुम्हें नहीं पता ये हमारे कितने प्यारे पेट्स हैं, उनको अटैक करके मार रही हो। और हमारे पिजन्स पर अटैक कर रही थी हमारी न्यू वाली मुर्गी। और इसका आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, ये 4-5 दिन हो गया हमारे पास आई है, लेकिन इसने एक अंडा दिया, उसके बाद अंडा ही नहीं दिया। काफी दिन हो गए तो ये अंडा ही नहीं दे रही। पहले दिन जब आई थी उसी दिन इसे अंडा दे दिया था, लेकिन अगले दिन इन्होंने कभी भी नहीं दिया। पता नहीं क्यों अंडा नहीं दे रही। अब इसका इंतजार करते हैं कब अंडा देगी ये, और फिर हम मिठाई वगैरह बांधेंगे। और यहाँ पर यार हमारे सारे पेट्स एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। इस साइड पर हमारा रियो कोको, इधर हमारे डक्स और चिक्स, और इधर हमारे पिजन्स भी है, और यहाँ पर हमारा बड़े वाला बागड़ बिल्ला भी है यहाँ पर, सब एक साथ यहाँ पर। और यहाँ पर यार इतने पिजन्स इकट्ठे गए हैं। और यार हमारी खतरनाक मुर्गी इस केज के अंदर चली गई है, यहाँ पर वो बाजरा देख कर गई है, और यहाँ पर शायद अंडा भी दे दे बैठ कर। और यहाँ पर ये रखवाली कर रहा बाहर, और ये खुद खाने के लिए नहीं जा रहा क्योंकि इसका गेट थोड़ा सा छोटा है जिसकी वजह से अंदर नहीं जा सकता। लगता है ये जाने की कोशिश कर रहा है, लगता है जाने लगा। और यार नहीं पुड़िया होगे, अंदर फंस जाओगे, तुम्हारा जो शरीर है वो बागड़ बिल्ला है, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम बहुत ज्यादा बड़े हो, इसके साइज बहुत छोटा है गेट का। लगता है ये जाने वाला है, लग इसका तो फेस, उसका गर्दन काफी लंबी है जिसकी वजह से वो अंदर डालकर खा रहा है आराम से, उसे अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, और वहीं से खड़ा होकर बाजरा खा रहा है। और यार यहाँ पर हमने पिजन्स के केज में ईंटें रख दी है क्योंकि पहले हमने यहाँ पर लकड़ी वाला रखा हुआ था पेज जिसके अंदर ये अंडे देते थे, लेकिन उसके अंदर ये गर्मी बहुत ज्यादा लगती थी, तो फिर हमने वो निकाल दिया। अभी हमने यहाँ पर ईंटें लगा दी, यहाँ पर अंडे देंगी, और लेकिन अभी काफी देर हो गया, ये अंडे नहीं दे रही। पिछला लास्ट टाइम जो हमने दिया ये वाला बच्चा दिया है, उसके अलावा इन्होंने अंडे नहीं दिए। और बच्चा तो दूर की बात है, बच्चा तो निकाल ही नहीं सकते जब तक अंडे नहीं देंगे। तो जब ये अंडे देंगे तो फिर हम बच्चे निकालेंगे और एक अंडा हम खा भी लेंगे, ओहो बच्चे ही निकलवाएंगे यार, खाएंगे नहीं तो यार पता नहीं अब कब देंगे। वैसे मेरे ख्याल से गर्मी का दिन है जिसकी वजह से अंडे नहीं दे रहे, जब ये गर्मी के दिन चले जाएंगे, जब थोड़ी सी सर्दी आना शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद शायद ये अंडे देना शुरू कर देंगे। इसी तरह हमारे बजट भी नहीं है आजकल अंडे दे रहे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, उन्होंने एक अंडा दिया था और बाहर फेंक दिया था। अब देखो कब देते हैं वो अंडे, और ये भी अंडा कब देते हैं। और यार हमारे पिजन्स ने हमारे बेबी पिजन को फीड करवानी छोड़ दिया, पता नहीं क्यों, काफी दिन हो गए इन्होंने दोबारा से फीड नहीं करवाई क्योंकि वो खुद खाना शुरू हो गया। अभी भी वो उस साइड पर जा रहा है दूसरे फीमेल के पास, इनकी आपस में दोस्ती हो गई है, और ये जो हमारे फीमेल है जो दूसरी, इसके साथ इनकी दोस्ती नहीं हो रही, ये उस पर अटैक करते हैं और उसे मार देते हैं। अभी भी उसका सर गंजा हो गया है, आप देख सकते हैं इसका सर कितना ज्यादा उन्होंने गंदा किया है, और यहाँ पर सारा खून निकल रहा होता है इसके सर में से। और यार यहाँ पर हम अपने बजट को भी चेक कर लेते हैं, उन्होंने बच्चे वगैरह दिए या अंडे दिए हैं, या फिर उनका बाजा वगैरह भी चेक कर लेते हैं क्योंकि मैंने सुबह देखा नहीं है। अभी पानी भी डाल देते हैं उन्हें, जल्दी से यार ये पीछे करते हैं और ये देखते हैं। ये मैंने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि बिल्ली अटैक करके पिंजरे के अंदर चली जाती है। यार इसको पीछे करो जल्दी से, हाँ पीछे कर दो जल्दी से देखते हैं, क्योंकि यार मैंने इसलिए आगे लगाया हुआ है, ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है। यहाँ पर हमारी एक दफा बिल्ली ने अटैक कर दिया था और सारे बजिस खा गई थी, और इसलिए मैंने फिर यहाँ से आगे लगाना शुरू कर दिया। यहाँ से आपको पता है केज टूट गया हुआ है, इससे बिल्ली ने अटैक किया था और यहाँ से सारा तोड़ दिया था। अभी यार ये दिखाओ जरा, बाजरा तो है इनका, लेकिन यहाँ पर पानी हम चेंज कर देते हैं, ये काफी ज्यादा गंदा हो गया। और यार बताओ मुझे, तुम लोगों ने अंडे वगैरह दिए हैं या बच्चे निकाले हैं? वो वाली केज के अंदर गई हुई है मेरे ख्याल से, उसने शायद अंडे दिए हो। कोई भी फीमेल यहाँ पर, दो तीन फीमेल है, उसके अलावा एक फीमेल अंदर गई हुई है, उसने लगता है अंडे दे दिए हैं, उसके अलावा किसी ने भी नहीं दी हुई है। तो अभी यार क्या हुआ है, आराम से जरा ध्यान से खोलो। हाँ पानी मैं चेंज करता हूँ, एक मिनट रुको मैं निकाल देता हूँ। निकाल लोगे? चलो जल्दी से निकाल लो, पकड़ लो नीचे बैठकर आराम से, डरना नहीं है, बस आराम से पकड़ के बाहर निकाल लो। भाई ले आओ, भाई ले आओ, मैं इसके अंदर से पानी चेंज करता हूँ, ये देखो यार काफी ज्यादा गंदा हो गया है। हाँ आराम से, मैं छिपकली का बच्चा अंदर है यार, इसको बाहर निकालो यार, ये तो हमारे बजट पर नुकसान पहुंचा सकती है, ये अंदर चली गई। हाँ यहाँ पर छुपी हुई है, इसकी यहाँ से नजर आ रही है थोड़ा थोड़ा से। यार इसको ये हल्ला जरा, थोड़ा सा बाहर निकालो इसको, जल्दी करो, इसको अंदर नहीं रहने देना यार। ये अंदर रही तो हमारे बजिस को भी नुकसान पहुंचा सकती है, अगर उन्होंने अंडे दिए तो अंडे को खा सकती है। छिपकली यार यहाँ से भागी है, अभी हम यहाँ पर पानी डालते हैं और हम इसको भी बाहर निकालते हैं। यार ये भी काफी देर से अंदर है, हमने बहुत मुश्किल से निकाला उसको, अभी चली गई है ना। चलो ठीक हो गया, बस इसको पानी भरते हैं और फिर डालते हैं, और जल्दी से तुम भी बाहर आ जाओ, कहीं और छिपकली ना आ जाए। मुझे पानी धोना है। पकड़ो जल्दी करो, ध्यान से आराम से, चलो ओके आ जाओ, बाहर आ जाओ, जल्दी करो जल्दी ऊपर से कहीं पेड़ ना बाहर आ जाए, जल्दी से इसको बंद करते हैं। हाँ बंद कर दो। और यार दोबारा से बादल पड़ना शुरू हो गया, मेरे ख्याल से बारिश आने वाली है, सुबह ही बारिश काफी तेज आई थी और अभी दोबारा से आने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर ये हमारे शेड के नीचे बैठे हुए हैं, ये भी बहुत आराम से बैठे, पता नहीं क्यों बैठे हुए हैं, वैसे तो ये बहुत ज्यादा शरारती है, आराम से यहाँ पर बैठा हुआ है। यार क्या हुआ है, ऐसे क्यों आराम से बैठे हुए हो, वैसे तो तुम बैठते नहीं हो, तुम वैसे तो बहुत ज्यादा शरारती हो। और यहाँ पर हमारी
मास्क और चिक्स इसके नीचे पतन क्यों छुपे हुए हैं। इन्हें लगता है पता चल गया कि बारिश आने वाली है, तो इसलिए ये साइड पर छुप रहे हैं, क्योंकि बारिश में सुबह टाइम ये भीग गए थे, इसकी वजह से ये छुप रहे हैं यहाँ पर। और इसके अलावा हमारे ये पिजन्स यहाँ पर इकट्ठे पता नहीं क्या कर रहे हैं, जो दोबारा से लगता है यहाँ से मिट्टी खा रहे हैं डेली। यहाँ पर ये इन्हें मैं खोलता हूँ, यहाँ से मिट्टी खानी शुरू कर देते हैं। और यार मिट्टी के अलावा भी कुछ खा लिया करो, बस खाली मिट्टी खाते रहते हो। चलो यार इनको मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि बारिश ना आ जाए फिर अचानक से बंद नहीं होना। हाँ इसको बंद करते हैं यार जल्दी से, चलो पकड़ो सबको। चलो एक को मैं पकड़ता हूँ, बाकी तुम पकड़ो एक एक करके। हमारा जो बच्चा है ये खुद ही केज के अंदर चला जाता है, इसको छोड़ दो ये खुद ही चला जाएगा। इसके माँ बाप को बंद करेंगे, ये खुद ही अंदर चला जाएगा। ये एक को गंद करो ना, फिर बाकी सारे चले जाएंगे। और ये वाली झाड़ की इसके पड़ भी नहीं है, ये इतने ज़्यादा उड़ती है हमारी फीमेल, इसको पकड़ते हैं ये कहीं उड़कर ना निकल जाए। आज भाई आज 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 ओए पकड़ लिया, जाने लगी थी। और यार यहाँ पर हमारी शरारती मुर्गी अभी भी अंदर है, इसको यार भाई निकालो मुर्गी को, किसको? ये मुर्गी को पीछे हो जाओ, खुद ही आ जाएगी पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, आ जाओ आ जाएगी पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, आ जाओ आ जाओ बाहर आओ जल्दी, ये इसका गार्ड है, वहाँ पर नहीं जाना तुमने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाहर। चलो यार ये मुर्गी आ गया बाहर, इसको बंद करते हैं जल्दी से, और इसके आगे लगा देते हैं ये ईंट, ताकि ये कोई खोल ना सके, और या फिर ये खुद ही खोल कर बाहर ना आ जाए, या बिल्ली ना खोल ले। तो ये यार ये अभी ये परेशान हो गया, कह रहा मेरे बच्चे और मेरी बीवी को तुम लोग बंद नहीं कर रहे। हाँ चलो चलो ले आए, चलो बंद कर दो। चलो यार सबको हमने बंद कर दिया, चिक्स को हम अभी खुला रहने देते हैं, क्योंकि वो अभी छुपे हुए हैं, वो खुद ही अंदर आ जाएंगे केज के, इनका दरवाजा खुला हुआ है, तो जैसे ही बारिश आएगी तो वो खुद ही अंदर चले जाएंगे। और यार जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बारिश आने वाली है, तो बारिश यार आ गई थी। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर ईगल्स इतनी ज्यादा आई हुई है, यहाँ पर हमारे सारे चिक्स बाहर हैं, मेरे ख्याल से हमारे चिक्स पर हमला करना चाहती हैं, और इतनी ज्यादा ईगल्स सामने बैठी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो कहीं यार ये हमारे चिक्स पर हमला ना कर दे। अभी मैं फिर यहाँ पर इनके पास रहता हूँ, कहीं पर इनको उठा कर ना ले जाए और खा ना ले। और उसके अलावा हमने अपने पिजन्स वगैरह सबको बंद कर दिया था, और ये भीगने से बच गए थे। और मेरे ख्याल से हमारी मुर्गी यहाँ पर अंडा देने के लिए जा रही है, कल ये वाले केज में जा रही थी और आज यहाँ पर जा रही है। कल मैंने यहाँ पर इसको 2-3 दिन देखा कि यहाँ पर बैठ रही थी, मुझे लगा अंडा देगी, लेकिन इसे अंडा नहीं दिया, और आज यहाँ पर बैठ गया, शायद यहाँ पर बैठ कर अंडा दे दिया। और यहाँ पर मेरे ख्याल से इसको जाली लग रही है, यहाँ से टूटी हुई है, तो इसको थोड़ा सा साइड पर करते हैं, लेकिन इसे डर जाना, फिर अंडा नहीं देना, इसलिए मैं इसको यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता, यहाँ पर बैठे रहने देते हैं। जब ये अंडा दे देगी उसके बाद हम ये ठीक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर अंडा देना शुरू कर देगी। अल्लाह करे आज अंडा ये दे दे, लेकिन ये यार बाहर आ गया, कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा शायद आज अंडा दे देगी, लेकिन इसे अंडा नहीं दिया, बाहर आ गया। इसके अलावा हम अपने पिजन्स को भी खोल देते हैं, चलो ये भी थोड़ा सा खुश हो जाएंगे, आज मौसम अच्छा है थोड़ा सा, तो जाओ आज यार बाहर बारिश होगी, अब तुम बाहर आ सकते हो। हमारा बेबी पिजन वहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर इन्होंने अंडा तो नहीं दे दिया, नहीं अंडा नहीं दिया, मुझे लगा अंडा दे दिया होगा शायद, लेकिन ये काफी दिन हो गया अंडे नहीं दे रही, चलो देख लेंगे कब अंडा देती है। उसके अलावा हमारी डक यहाँ पर है, मुझे लगा डक कहीं हमारी चली गई है, लेकिन यहाँ पर बैठी हुई है। और हमारे चिक्स पूड़े हैं यहाँ पर, मैं देख लेता हूँ, ये 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है यार सारे पूड़े हैं। मैंने कहा कहीं ईगल वगैरह कोई उठा कर तो नहीं लेगी, देख लेते हैं एक दफा। और उसके अलावा वहाँ पर सामने गुड़िया इनके लिए वंडा बना रही है, हमारे रिया कोको के लिए। और यार अब हमारी मुर्गी केज के ऊपर आ गया, उस दिन हमारे केज के अंदर दे रही थी अंडा, लेकिन अंडा नहीं दिया था, बैठ रही थी बस। और यहाँ पर अब ऊपर आ गई, अब शायद यहाँ पर जगह ढूंढ रही है, यहाँ पर बैठ कर अंडा दे देगी। इसको लगता है जगह नहीं मिल रही, कोई जगह इसको पसंद नहीं आ रही जहाँ पर ये बैठ कर अंडा दे दे, तो इसलिए ये जगह ढूंढ रही है। इसलिए 2-4 दिन हो गया कि इसने अंडा नहीं दिया, लेकिन पहले दिन इसे अंडा दे दिया था, लेकिन वो कहाँ पर दिया था, इसने बाहर वहाँ पर उस साइड पर जहाँ पर रियो कोको की जगह, वहाँ पर जाकर इसे अंडा दे दिया था, लेकिन अभी ये जगह ढूंढ रही है कि कहाँ पर मैं बैठ कर अंडा दूँ जहाँ पर इसको कोई खतरा वगैरह ना हो। और केज के ऊपर अभी देख रही है, पता नहीं अब यहाँ पर कहाँ पर देगी, यहाँ पर बैठ कर देगी, या फिर केज के अंदर देगी, या फिर वहाँ पर देगी दूसरे केज में, अभी इसका कुछ नहीं पता चल रहा। देखो अब कब अंडा देती है। और आज का व्लॉग यहाँ पर करते हैं खत्म, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।